हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज टेक्निकल नॉलेज। बेटा दिस वो अपनी रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया था और वीडियो अपलोड किया था। वो था डिलीट के लिए, मींस अगर आप शेयर पॉइंट पर काम कर रहे हो और शेयर पॉइंट में अगर आपको ऑटोमेटिकली फाइल्स डिलीट करनी तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने फ़्लो बताया था। ये टेस्ट फोन का जो फ्लो है वो मैंने क्रिएट किया था। और अगर जैसे ये देखो, ये एक फोल्डर है और यहाँ से अगर आपको एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टाइप की फाइल डिलीट करनी है, जैसे यहाँ पे पीपीटी एक्स है और एक्सेल एस एक्स, एक्सेल और पीपीटी के रिलेटेड फाइल्स है, मुझे एक्सेल फाइल डिलीट करनी है तो वो कैसे करेंगे ऑटोमेटिकली, तो वो मैंने बताया था और उसका एक्सप्लेनेशन आपको अगर वो वीडियो देखना है तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में ऐड कर दूंगा। तो ये उसका सेकंड पार्ट है। अब इसमें क्या है, हमने तो पहले तो रिकरेंस वगैरह क्रिएट कर लिया था और फाइल नेम जो डॉट एक्सेल एस एक्स से होती है अगर वो है तो ही वो फाइल डिलीट होगी और एक पर्टिकुलर टाइम को डिलीट होगी, ये सब कुछ हो गया था। बट अभी इसको मोर एडवांस करते हैं और मोर एनहांस करते हैं, तो अभी क्या होगा, जैसे फाइल डिलीट होगी ना तो अपने को एक मेल भी आना चाहिए, बिकॉज हम हर बार फ्लो ओपन करके चेक तो नहीं कर सकते ना कि यहाँ से कि हुआ या नहीं हुआ रन ये सब कुछ, ठीक है। तो अपने को एक मेल चाहिए कि अगर फाइल डिलीट होती है तो हमको एक मेल आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्लो था वो वही फ्लो में मैं एडिट कर रहा हूँ, वही फ्लो में ये कंडीशन थी येस नो। अब यहाँ पे तो फाइल डिलीट हो जाएंगी, उसके बाद अपने को क्या करना है, जस्ट एक अपने को एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है। यहाँ पे रहेगा ऑफिस 365 दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस 365 है, बट ये आपको फर्स्ट ये वाला सिलेक्ट करना है, ऑफिस 365 आउटलुक। इसको सिलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पे एक्शन क्या होगा, एक्शन को अपने को ईमेल सेंड करना है, राइट। तो ईमेल सेंड करने के लिए अपने को सेंड एन ईमेल V2 ये ऑप्शन या ये एक्शन अपने को सिलेक्ट करना है। अब ये भी मोर डायनामिक हो सकता है, बट हम बेसिक से ही जा रहे हैं तो एक एक स्टेप्स हम एडवांस करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 2 में क्या है, हम मैन्युअली अभी ऐड कर रहे हैं, 2 में मेरा ईमेल आईडी ऐड कर देता हूँ, ओके। तो मैंने मेरा ईमेल ऐड कर दिया है, सब्जेक्ट ऐसा ही कुछ रैंडमली हम डाल देते हैं कि फाइल डिलीशन, ठीक है, ओके, इन्फो ऐसा कुछ ऐड कर देते हैं सैम्पल सा, ओके। हाय स्वप्निल, फ्लो रैन सक्सेसफुली, ठीक है, ओके। फाइल हैज बीन डिलीटेड, ठीक है, और यहाँ कर दूंगा थैंक्स। तो इससे क्या होगा, अगर आपकी फाइल डिलीट होती है तो ये मेल जाएगा और उसमें लिखा होगा कि फाइल डिलीट हो गई है सक्सेसफुली, आपको फ्लो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उसमें दूसरा भी केस हो सकता है कि अगर फाइल डिलीट नहीं होगी तो क्या मेल ही नहीं आएगा, तो अपने को डिलीट नहीं हुई तो भी मेल अपने को ऐड करना है। तो यहाँ पे भी हम वही सेम स्टेप्स करेंगे, ओके। यहाँ पे भी ऑफिस 365 आउटलुक सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट एक्शन, उसके बाद आपको सेंड एन ईमेल ये वाला एक्शन सिलेक्ट करना है। अगेन इस पर मेरा ईमेल आईडी और जिसको आपको सेंड करना है उसका ईमेल आईडी ऐड करना है आपको, ठीक है, स्वप्निल, ठीक है। तो मैं मेरे यहाँ पे मेरा ही डाल देता हूँ, सब्जेक्ट देता हूँ फाइल, अगेन फाइल्स डिटेल करके ऐड कर देता हूँ, आपके अकॉर्डिंग आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हाय स्वप्निल, फ्लो रन सक्सेसफुली बट फाइल्स नॉट डिलीटेड थैंक्स, ठीक है। अब ये हो गया, मीन्स जब नो कंडीशन आएगी तब के लिए, अगर फाइल्स डिलीट नहीं हुई तो ओके। तो ये स्वप्निल के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं ये बार बार के ओके, तो इसमें सिर्फ थैंक्स रहेगा, ओके। तो ये सब कुछ हो गया, जस्ट आपको देखो मैंने क्या किया, जस्ट सिंपली लास्ट जो कंडीशन थी उसमें येस नो कंडीशन थी, उसमें मैंने जस्ट ईमेल की जो फंक्शनलिटी है वो ऐड की है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आप सिंपल से कर सकते हो एक दो मिनट में, जस्ट आपको इसको सेव करना है। और इसको अभी देखो मैंने क्या किया था, ये इतनी फाइल्स ऐड की, एक पीपीटी है और ये, ओके। और अभी अपना ईमेल में आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ मैं, ओके, रन कर लिया, रन लो, डन,
ठीक है, ये देखो यहाँ पे डॉट आया है कुछ, तो मीन्स अपने जो है 5 सेकंड में फ्लो रन सक्सेसफुली हो चुका है। अब देखते हैं ईमेल्स। अब आप ईमेल देख रहे होंगे तो इसमें बहुत सारा पोर्शन तो मैं ब्लर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक ही मेल आना चाहिए था और दो मेल आने चाहिए थे, बट यहाँ पे हर कितने 4 मेल आ गए, बिकॉज मेरी जो यहाँ पे थी वहाँ पे 4 फाइल्स थी पीपीटी को ऐड करके, तो 3 फाइल डिलीट हो चुकी है सक्सेसफुली, एक फ़ाइल डिलीट नहीं हुई बिकॉज ये पीपीटी थी। ओके, और हमने एक्सेलेक्स को ही डिलीट करना था हमको, तो उसके रिलेटेड। तो ये देखो, हाय स्वप्निल, फ्लोरेंस सक्सेसफुली द फाइल हैज़ बीन डिलीटेड, वही अगेन सेम सक्सेसफुल सक्सेसफुल, और ये रहेगा अनसक्सेसफुल का, बिकॉज हाय स्वप्निल, फ्लोरेंस सक्सेसफुली बट फाइल नॉट डिलीटेड, वाई, बिकॉज ये जो फाइल था वो PPTX था और हमने इसके लिए कुछ कंडीशन लिखा नहीं था, हमको सिर्फ एक्सेल फाइल डिलीट करनी थी। ओके, तो ये था ईमेल का फंक्शनलिटी। अब इसमें और एडवांस होगा आगे जाके, और मैं आपको और बहुत कस्टमाइज में आपको वर्क फ्लो बताऊँगा इसके बारे में, तो ये और एक बेसिक से और एक ऊपर का था, तो ज़रूर ये ट्राई करके देखिएगा। और यस, आपका एक सपोर्ट चाहिए मुझे, अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो आगे मोर मैं ऐसे वीडियो डाल सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।